और जो लड़कियाँ मांगती है नॉर्मली वही सब लड़कियाँ मांगती है। लड़कियाँ तो मांगती है कि अच्छे बट मिले। हाँ हाँ अच्छे भी वही मांगा IIT में वर वधू भी मिल जाए। करियर की बात है और हाँ पहले करियर उसके बाद प्यार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24/7 पर और आपके साथ मैं हूं ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज महाशिवरात्रि का दिन है और इसी को लेकर तमाम मंदिर और चौक चौराहे पर जितने भी मंदिर हैं छोटे हो या पर बड़े सर यहां पर तमाम भीड़ लोगों का जो जुट है एकजुट जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम श्रद्धालु जो है यहाँ मंदिरों में पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें कि इस बार महाशिवरात्रि का जो संयोग बन रहा है वो काफ़ी खास माना जा रहा है कि इस बार शिवरात्रि पर ये जो संयोग है माना जा रहा है कि इसी दिन जो भगवान शिव और माँ पार्वती की जो है शादी होती है और इसीलिए शिवरात्रि जो है वो मनाया भी जाता है। इस बार ये शिवरात्रि बहुत ही खास होने वाला है। चलिए यहाँ जो श्रद्धालु आए हैं उनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या कुछ खास है और किस तरीके से वो इस बार पूजा अर्चना जो है वो करने वाले हैं। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम हुआ? सलोनी सिंह। सलोनी, ये बताइए कि इस बार शिवरात्रि में आप भगवान शिव से क्या मांगे? हम भगवान से मांगे हैं कि परिवार सब बहुत खुशी मंगल में रहे और जो लड़कियां मांगती है नॉर्मली वही सब लड़कियां मांगती है। लड़कियां तो मांगती है कि अच्छे बट मिले। हाँ हाँ अच्छे भी वही मांगा। आपका क्या नाम? सेम थिंग, पर कुछ नहीं। चलिए ठीक है, ये नहीं बोलने वाली। चलिए और भी कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर इस शिवरात्रि पे क्या कुछ खास है और किस तरीके से वो जो पूजा अर्चना किस तरीके से वो पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं। बताइए शिवरात्रि पर आप पूजा अर्चना के लिए क्या कुछ चाह रही है भगवान से? खुद के लिए ही चाह रही हूँ सबसे पहले तो कि बहुत बड़ा कामयाबी मिले, कुछ बन जाऊँ और माता पिता के लिए करें। शिवरात्रि का मतलब ये तो नहीं होता है कि सिर्फ मतलब हस्बैंड टाइप कुछ। लड़कियों में उत्सुकता रहती है शिवरात्रि को लेकर कि अच्छे वर की तलाश होती है इसलिए लोग शिवरात्रि करते हैं। हाँ वो तो है। आपका क्या? श्रुति। क्या कुछ इस बार चाह रही है शिवरात्रि के अवसर पर? लड़कियों में खास उत्सुकता रहती है शिवरात्रि को लेकर बड़ की तलाश है इसलिए लोग शिवरात्रि करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बस भगवान के प्रति प्रेम रहता है इसलिए करते हैं, बड़ के लिए नहीं होता है। ममता। ममता, क्या कुछ इस बार मांगना है? इस बार क्या कुछ खास है? पढ़ाई लिखाई थोड़ा अच्छे से हो जाए, मतलब अपने करियर को लेकर। हाँ करियर को लेकर बहुत अच्छी बात है कि लड़कियाँ सिर्फ शादी विवाह को लेकर ही नहीं लेकिन अपने करियर के बारे में भी सोच रही है और यही कुछ मांगना भी चाह रही है। शालू तिवारी। क्या कुछ इस बार शिवरात्रि पे भगवान से विश करने वाले? अपने करियर के लिए हम लोग का ड्रीम मिल जाए बस। बहुत अच्छी बात है कि लोग भाई अपने साथ साथ अपने जीवन के साथ साथ अपने करियर की भी बात करते हैं, करियर के लिए भी कुछ चाह रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं पूजा अर्चना करने और काफ़ी कुछ लोगों की जो तमन्ना है, काफ़ी कुछ लोगों की जो विशेष है वो चाह रहे हैं कि इस महाशिवरात्रि पर पूरा हो और इसलिए वो मंदिर में पहुँच रहे हैं और बात कर रहे। चलिए और भी कुछ लोगों से बात करते और जानते हैं कि क्या कुछ इस शिवरात्रि पर उनका कुछ खास होने वाला है। तो आप देख सकते हैं हम मंदिर पे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग सेल्फी ले रहे हैं, पूजा करके वो निकल रहे हैं। काफ़ी लंबी कतार जो है वो लगी हुई है मंदिर में। क्या नाम हुआ आप लोग? अभिषेक। अभिषेक, ये बताइए आज आपने भी शिवरात्रि किया है, पूजा करने आए? शिवरात्रि की है, व्रत रखा। क्या कुछ भगवान से मांगा, क्या विशेष क्या है? विशेषता शिवरात्रि तो करते कि लोग अच्छे वर या फिर वधू जो है मिले, तो ऐसा कुछ नहीं मांगा? दोनों है, IIT में वर वधू भी मिल जाए। करियर की बात है? हाँ पहले करियर उसके बाद प्यार। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका? हमने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, सिर्फ भगवान को इनके पास तो बस श्रद्धा। नहीं नहीं कुछ नहीं है लेकिन फिर भी खाना बार्गेन करना अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भगवान की पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि बार्गेनिंग करें। बहुत अच्छा है कि भगवान मन में श्रद्धा है इसलिए लोग भी पूजा करने पहुँच रहे हैं। कई युवाओं से हमने बात की तो सबसे पहले उनका यही है कि वो उनके करियर की बात करें, उसके बाद अगर कोई जीवन में कुछ ऐसा है जो जीवन सफल हो। क्या नाम हुआ? शिवानी कुमारी। शिवानी, ये बताइए सर क्या कुछ हर बार खास है और विश्वास भी है तभी रखी है। क्या विश क्या मांगा इस बार? एग्जाम में पास हो जाए, टेंथ में अच्छे मार्क्स आ जाए। और कितने टाइम का एग्जाम दिया? ये दे चुके हैं। अच्छा, अब शिवरात्रि को लेकर लोगों में रहती है कि अच्छे वर की तलाश है इसलिए ज्यादातर लड़कियां में उत्सुकता रहती है कि इसलिए वो शिवरात्रि करते हैं, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, बस अच्छे मार्क्स आ गए। नहीं नहीं टेन में नहीं, इंटर में। और मेरा टेन है। ओके ओके, तो यहाँ पर देखा कि आपने तमाम लोगों का एकजुट जो है वो हो रहे हैं मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ विश मांग रहे हैं। शिवरात्रि को लेकर काफी भीड़ है। अब हम आपको बता दें कि शिवरात्रि के अवसर पर जो है
मंदिरों से जो है शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। तमाम तैयारियां की गई है शिवरात्रि को लेकर और आज के शुभ दिन जो है सभी लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि यहां पर कितनी भीड़ जो है यहां पर लोग एकजुट हो रही है। तो एक मंदिर का नजारा है लेकिन यहां पटना में जितने भी मंदिर है सभी पे आपको ऐसा ही नजारा अभी जो है देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी के लिए अपडेट के लिए बने रहे भारत 24/7 के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब करें।